वर्षों से प्रेरित क्रेटोस कभी महान सेनापति जिसे अब स्पार्टो के भूत के रूप में जाना जाता है। क्रेटोस ने देवताओं के लिए एक चैंपियन के रूप में प्रतिज्ञा की थी। बदले में वह केवल उन बुरे सपनों से छुटकारा पाने की आशा रखता था जो उसे बहुत लंबे समय तक परेशान करते थे। लेकिन अभी के लिए उनके अतीत से पापों से एकमात्र राहत लड़ाई की गर्मी में मिला था। और उस दिन क्रेटोस को देवताओं ने एक अकल्पनीय बुराई का सामना करने के लिए बुलाया था जिसे आक्रमणकारी फारसी सेना ने अटिका के तट पर अटिका सर उजागर किया था। Come on.
इस सर फारसी पर आपने क्या बुराई की है? बुराई? ये बुराई नहीं है कि मैं स्पार्टनी पर्सन की ताकत लाऊं। स्पार्टनी पर्सन की शक्ति और शुद्धि का संस्कार लाई है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरी बेसलिक्स इस भूमि को साफ रखती है ताकि यह फारसी इस रामजे की महिमा को अपना सके, और मैं इसे वितरित करने के लिए आया हूँ। आप केवल एक संदेशवाहक है, तो इस संदेश को अपने छोटे देवताओं के पास ले जाइए। इसमें एक दयनीय समय से अधिक समय लगेगा श्रामजी की शक्ति को रोकने के लिए। Yeah.
कृपया मेरी जान बख्शे और मैं वह सब दूंगा जो तुम मांगोगे। आपके पास कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए फारसी। मेरा राज्य, मेरी औरत और मेरा सोना ले लो। मैं तुम्हारी दौलत नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
देवताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए क्रेटोस ने पिछले फारसे द्वारा लाए गए बेसलेस को हराया, लेकिन यह छोटी सी जीत उस आदमी को नहीं रोक पाएगी जिसे स्पार्टो के कोच के रूप में जाना जाता था। क्या आप बस मुझसे इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं? आकाश से माध्यम से सूर्य को ढलते हुए और दुनिया को डूबते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं है। क्रेटोस जानता था कि देवताओं का कोई संकेत नहीं है। यो क्या विश्वासघात है? चमकते क्षितिज की ओर अपनी दृष्टि स्थापित करते हुए क्रेटोस ने रहस्यमय रोशनी की ओर अपना रास्ता बना लिया, लेकिन क्रेटोस जितना जान सकता था उससे कहीं अधिक था।
मोफियस सपनों के देवता, जिसे एक ऐसी दुनिया के बारे में पता चला जहां उन्होंने और केवल उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया। भूमि काली कोहरे के चपेट में आ गई थी, जिसने इसे छूने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया था। Thank you.
मॉर्फियस की शक्ति ने यह तक क्रेटोस को भी प्रभावित किया क्योंकि वह एक अजीब राग से प्रभावित था।
हेलियोस का मंदिर। और जैसे ही क्रेटोस मंदिर के पास पहुंचे, यह स्पष्ट हो गया कि आगे का कार्य पहले से कहीं अधिक था। ब्लैक हंटिंग क्रेटोस के माध्यम से एक बार फिर अजीबोगरीब राग सुना जा सकता है। क्रेटोस,